फिंगर्स। हाँ तो फिंगर्स यार किसकी कंपनी हो सकती है इन भाई साहब की। चलो छोड़ो, खैर हमें क्या यार। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ ही रिव्यू करेंगे फिंगर्स कंपनी का नाम। अगेन भाई साहब की भी हो सकती है बट एक इंडियन ब्रांड है ये, एंड RGB कैबिनेट है इनका। कोई इसमें आपको ट्रांसपेरेंट आपको साइड पैनल नहीं देखने को मिलता, बट बिल्ड क्वालिटी इस कैबिनेट की काफ़ी अच्छी है। एंड जो बजट सेगमेंट के PC बिल्ड करते हैं भाई, जो नॉर्मल पावर सप्लाई से जिनका काम चल जाएगा, उनके लिए कैबिनेट काफ़ी अच्छा रह सकता है। और आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी आपको मैं पूरा आप डिस्प्ले पे देख ही सकते हो कैबिनेट को। अब बाकी मैं कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूँ जो मुझे पसंद है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और साइड पैनल होता तो मज़ा आ जाता, बट इसके अंदर आपको पावर सप्लाई साथ में मिलती है जो कि एक बेसिक पावर सप्लाई है। अगर आपका 200 वॉट तक का आपका मतलब कंज्यूम करता है PC बिल्ड जो भी आप करोगे, तो वो ठीक रह सकता है आपके लिए। आपको कोई एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई राइजन बेस्ड बिल्ड कर रहे हो तो उसमें यार आपको एक 8 पिन कनेक्टर देना पड़ता है पावर का, बट बेसिक पावर सप्लाई में 4 पिन कनेक्टर देखने को मिलता है हमें। तो आपको एक मोलेक्स 2 8 पिन कनेक्टर ख़रीदना पड़ सकता है, तभी पावर सप्लाई उसमें काम कर जाएगी। बाकी स्पेस अच्छा है इसके अंदर काफ़ी, आप 2 हार्ड डिस्क और 1 SSD लगा सकते हो। पावर केबल वगैरह स्क्रूज़ वगैरह सब अच्छे डिसेंट क्वालिटी के साथ देखने को मिलते हैं। फ्रंट पे 3.0 का एक USB पोर्ट है और ये इसकी केबल है जिसके आप बोर्ड के साथ कनेक्ट करोगे। बाकी सारी केबल्स है इसमें। और आपको एक 60mm का फ़ैन देखने को मिलता है जो कि एक नॉन RGB फ़ैन है। ये क्विक गाइड है, इसके सेटअप गाइड है कि कैसे आप इसमें हार्ड ड्राइव वगैरह लगाओगे, तो आप देख लेना इस चीज़ को भी अगर आप इसको बाय करते हो तो। ओवरऑल एक डिसेंट प्रोडक्ट है और बजट सेगमेंट में, क्योंकि यार ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं एक RGB कैबिनेट के उसमें। बाकी चिप्ट्रॉनिक्स के आते हैं, उनकी भी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट उसमें आपको सप्लाई अलग से लेनी पड़ती है। तो अगर आप एक डिसेंट बिल्ड कर रहे हो, अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना चाह रहे हो, तो आप एक अच्छा CPU SMPS पावर सप्लाई यूनिट ज़रूर लें। अगर आप नॉर्मल बिल्ड कर रहे हो देन आप इस कैबिनेट के साथ जा सकते हो, बिकॉज ये पावर सप्लाई और ये कैबिनेट एक कंप्लीट पैकेज है और जो आपको 2500 रुपये के करीब करीब मिल जाता है। आराम से 2500-2600 रुपये तक मैक्सिमम इसी रेट पर मिल जाएगा आपको मार्केट में। और MD कंप्यूटर्स पे भी अवेलेबल है शायद ये, अमेज़ॉन वगैरह पर नहीं है। अमेज़ॉन पे बस फिंगर्स की पावर सप्लाई और बाकी पेरिफेरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रंट में भी आप इसमें 120mm का फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हो, साइड में वेंट्स दे रखे हैं ये एयर फ्लो के लिए। तो ये इसका RGB लुक है यार। तो भाई थैंक यू सो मच गाइज, यही वीडियो थी, कैसी लगी और बताना कॉमेंट सेक्शन में यार। तो बस यार अपना ध्यान रखो, मज़े करो।